नमस्कार दोस्तों, जासूसी और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं शेरलॉक होम्स के साहसिक कारनामों से भरी हुई एक और कहानी, जिसका नाम है द स्कैंडल ऑफ बोहीमिया, यानी बोहीमिया का कांड। जब बड़े बड़े राजसी खानदानों में कोई कांड होता है तो शेरलॉक होम्स जैसे बड़े बड़े जासूसों की मदद ली जाती है उसे दबाने के लिए। तो आइए चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। शेरलॉक होम्स के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही औरत थी। उसने कभी उसे प्यार नहीं किया, क्योंकि उसने कभी किसी औरत से प्यार नहीं किया, पर उससे मिलने के बाद वो उसे कभी भूल नहीं पाया। उसका नाम आइरीन एडलर था। मार्च की एक रात को मैं अपने दोस्त शेरलॉक से मिलने उसके घर बेकर स्ट्रीट पर गया। मेरा नाम डॉक्टर वॉटसन है और मैं और शेरलॉक बहुत करीबी दोस्त हैं। मेरी शादी हो चुकी थी और अब मैं उससे ज़्यादा मिल नहीं पाता था। आओ वॉटसन, तुम्हें देखकर खुशी हुई, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इसे पढ़कर बताओ तुम्हें क्या लगता है। ये आज सुबह की डाक से आया है। ये एक खत था, ना नाम ना एड्रेस। इसमें लिखा था, आज रात को कोई तुमसे मिलने आएगा, एक बहुत ही गोपनीय विषय के बारे में बात करनी है। आपने बहुत से विशिष्ट लोगों की मदद की है और हमें उम्मीद है कि आप हमारी भी मदद कर सकते हैं। 7:45 अपने घर पर मिलिएगा। कागज़ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, होम्स ने पूछा। मैंने होम्स की तरह सोचने की कोशिश की। महंगा लगता है, तो ये इंसान काफ़ी अमीर है। ये काफ़ी अजीब कागज़ है। हाँ, ये इंग्लैंड का नहीं है। अगर तुम गौर से इसे रोशनी में देखो तो तुम जान जाओगे कि ये बोहीमिया में बना है और इसे किसी जर्मन ने लिखा है, और हमें जिसका इंतज़ार था वो आ गया। सड़क पर घोड़ों की पदचाप हम सुन पा रहे थे। क्या मैं जाऊं होम्स, मैंने पूछा। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, दिलचस्प होने वाला है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाइए, होम्स बोला। एक लंबा तगड़ा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर एक नकाब भी था। आप मुझे काउंट वॉन क्रेम बुला सकते हैं, मैं बोहीमिया से आया हूँ। मैं बहुत ही ज़रूरी काम से आया हूँ, पर इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताऊँ, क्या मैं उम्मीद करूँ कि आप इसे एक राज ही रहने देंगे? बेशक, आप भरोसा रखिए, हम दोनों ने एक साथ कहा। एक बहुत ही विशिष्ट आदमी ने, जो कि राजसी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे आपके पास भेजा है। मैं बोहीमिया के राजसी खानदान की बात कर रहा हूँ। अगर आप ही हमारी मदद नहीं कर सके तो बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा हो जाएगा। मैं जानता हूँ राजा साहब, होम्स ने कहा और चुपचाप सिगरेट पीता रहा। वो आदमी अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। क्या, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? उसने अपना नकाब चेहरे से हटाया और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। तुम सही हो, मुझे खुद को छिपाना नहीं चाहिए। मैं विलियम ऑर्मस्टन हूँ, बोहीमिया का राजा। मैं खुद तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं किसी और को इसमें शामिल नहीं करना चाहता। ठीक है, आगे बताइए, होम्स ने कहा और अपनी आंखें बंद करके सुनने लगा। 5 साल पहले मैं एक लड़की से मिला था, उसका नाम आइरीन एडलर था। ओ, आइरीन एडलर, होम्स बोला। 1850 में पैदा हुई, गायिका है, लंदन में रहती है, बहुत ही खूबसूरत औरत है। आप और वो, उसने राजा की ओर देखा, आपने उससे प्यार किया और कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया, पर छोड़ने से पहले आपने शायद उसे कुछ खत लिखे थे और अब आप वो खत वापस पाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। क्या आपने उसके साथ शादी की थी? नहीं। तो अगर वो आपको खत दिखाकर पैसे मांग रही है तो आप साफ इनकार कर दें कि आपने वो खत नहीं लिखे? पर मिस्टर होम्स,
उसके पास मेरी तस्वीर भी है। तो आप कह दीजिए कि आपने उसे वो तस्वीर नहीं दी। वो तस्वीर हम दोनों की है। ओह अफसोस, ये तो आपने बड़ी गलती कर दी। मैं जानता हूँ मैं मूर्ख था, पर मैं तब एक नौजवान था। तो आपको वो तस्वीर उसके घर से चुरा लेनी चाहिए थी। मैंने 5 बार कोशिश की, पर मेरे आदमियों को वो तस्वीर नहीं मिली। अब मैं क्या कर सकता हूँ? होम्स हंसा, ये तो बहुत दिलचस्प है। वो उस तस्वीर के साथ क्या करना चाहती है? राजा बोला, जल्दी ही मेरी शादी स्कैंडिनेविया के एक खानदान की राजकुमारी से होने वाली है। वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगी अगर उसे पता चल गया कि मेरा संबंध आइरीन एडलर के साथ रह चुका है। आइरीन बहुत खूबसूरत है, पर वो बहुत गुस्से वाली है। वो बहुत नाराज हुई थी जब मैंने उसे छोड़ा था। और अगर उसने वो तस्वीर स्कैंडिनेविया फैमिली को भेज दी तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो सकता है। तुम समझ सकते हो, हमें वो तस्वीर ढूंढनी ही होगी। मुझे उम्मीद है हम वो तस्वीर ढूंढ निकालेंगे, होम्स ने कहा। और आप शायद लंदन में ही रुकेंगे, मैं आपको खबर भिजवाता रहूंगा। राजा ने एक बड़ा भारी बैग टेबल पर रखा। मुझे वो तस्वीर हर हाल में चाहिए। इस बैग में 1,000 पाउंड है, और चाहिए तो और भी मिल जाएंगे। और उस औरत का पता? होम्स ने पूछा। राजा ने उस औरत के घर का पता बताया और चला गया। उसके जाने के बाद होम्स मेरी ओर मुड़ा और बोला, शुभरात्रि वॉटसन, कृपया कल 3 बजे दोपहर को वापस मेरे पास आना। अगले दिन जब मैं घर पहुंचा तो होम्स घर पर नहीं था और उसका इंतजार करने लगा। 4 बजे दरवाजा खुला और एक अजीब नौकर जैसा दिखने वाला आदमी अंदर आया। उसने गंदे और पुराने कपड़े पहन रखे थे। मैंने बहुत गौर से देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि ये तो मेरा दोस्त होम्स ही है। होम्स, मैं चिल्लाया, कहाँ थे तुम? मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मैं मिस आइरीन एडलर के घर के बाहर था। नौकरों को गप्पे लड़ाना अच्छा लगता है। मुझे आइरीन के बारे में बहुत सी जानकारी मिली है, जैसे कि डेविड नॉर्टन नाम का एक खूबसूरत आदमी उसका दोस्त है और वो एक वकील है। वो उसके घर आता जाता रहता है। एक वकील से दोस्ती? अगर वो सिर्फ उसका वकील है तो उसने उसे तस्वीर दे दी होगी। और अगर वो उससे प्यार करता है तो वो तस्वीर उसे नहीं दिखाएगी। ये तो दिलचस्प लग रहा है होम्स, मैंने कहा। जब मैं वहां था तो मिस्टर डेविड भी वहां अचानक पहुंच गए। मैंने उसे खिड़की से देखा और जब वो वापस गया तो एक टैक्सी में कूदकर चढ़ गया। सेंट मोनिका के चर्च, जितनी जल्दी हो सके, वो बोला। और उसके कुछ देर के बाद मिस आइरीन बाहर निकली और उसने भी टैक्सी ली। ड्राइवर को जल्द ही जल्द सेंट मोनिका चर्च चलने का आदेश दिया। मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था वॉटसन, तो मैंने भी चर्च से टैक्सी पकड़ी और चर्च पहुंच गया। वहां मिस्टर डेविड ने मुझे देखा। शुक्र है, जल्दी आओ इधर, उसने मुझे इशारे से बुलाया। क्यों? मैंने पूछा। आओ भी, हमें तुम्हारी जरूरत है। तो इस तरह मैंने मिस्टर डेविड की मदद की आइरीन एडलर से शादी करने में। उन्हें एक गवाह चाहिए था और सड़क पर खड़े एक गरीब नौकर से अच्छा गवाह कौन हो सकता है? तो उसने शादी कर ली, अब हम क्या करेंगे? मैंने पूछा। आज रात मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं जैसा कहूं तुम वैसा ही करना, होम्स बोला। बेशक, अगर ये जरूरी है तो मैं करूंगा, मैंने जवाब दिया। आज शाम को हम आइरीन एडलर के घर जाएंगे, वो मुझे अंदर आने देगी। तुम खिड़की के पास मेरा इंतजार करना और जब वो खुले तो तुम अंदर मुझ पर नजर रखना। जब मैं अपना हाथ ऊपर उठाऊं तो तुम ये चीज अंदर फेंक देना और चिल्लाना, आग आग। मैंने वो छोटी सी चीज उसके हाथ से ले ली और पूछा, ये है क्या? ये स्मोक स्टिक है, पूरा कमरा बहुत जल्द धुएं से भर उठेगा। उसके बाद तुम गली के नुक्कड़ पर मेरा इंतजार करना।
ठीक है, जैसा तुम कहो। उस शाम होम्स ने फिर से विचित्र कपड़े पहने और एक बड़ा काला हैट भी। उसने अपना चेहरा भी बदल लिया। अब वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान लग रहा था। हम दोनों एक साथ वहां पहुंचे। घर के बाहर बहुत सारे लोग थे। वो स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। होम्स और मैं घर के बाहर चक्कर लगाते रहे। मुझे लगता है कि वो नहीं चाहेगी कि उसका पति वो तस्वीर देखे। पर वो है कहाँ? बैंक में? नहीं, औरतें महत्वपूर्ण चीज़ें अपने पास रखना पसंद करती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तस्वीर घर के अंदर है। होम्स बोला, पर राजा के आदमियों को तो नहीं मिली? मैंने कहा, हाँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ढूंढना कहाँ है। पर इसका पता तुम कैसे लगाओगे? मैं नहीं, वो खुद मुझे बताएगी। उसे बताना ही पड़ेगा। तभी वहां एक टैक्सी पहुंची। सड़क से एक आदमी दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा। दूसरे आदमी ने उसे धक्का दे दिया और लोग भी धक्का मुक्की करने लगे। वो चिल्ला रहे थे। आइरीन नॉर्टन इन सब के बीच में खड़ी थी। शेरलॉक होम्स दौड़कर उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचा और अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे से खून निकल रहा था। आइरीन नॉर्टन अपने घर की ओर भागी, पर तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। ओह, कितना भला आदमी है, इसने मेरी मदद की। क्या बेचारे को अधिक चोट लगी है? ये मर गया है, कुछ लोग चिल्लाए। नहीं, इसे सिर्फ चोट लगी है, दूसरे और चिल्लाए। इसे अंदर ले आओ, वो बोली। वो शेरलॉक को अंदर ले गए। मैं खिड़की से बाहर खड़ा देख रहा था। सच में आइरीन बहुत खूबसूरत थी। तभी होम्स के इशारे पर मैंने स्मोक स्टिक अंदर फेंक दी। लोग चिल्लाने लगे, आग आग। घर धुएं से भर गया। मैं आगे निकल गया और 10 मिनट के बाद होम्स भी आ गया। तुम्हें तस्वीर मिल गई? मुझे पता है वो कहाँ है, उसने मुझे दिखा दिया है, उसने जवाब दिया। पर उसने तुम्हें क्यों दिखाया? ये बहुत आसान था, उसने कहा और हंसने लगा। वो लड़ाई, वो खून, सब नकली थी। वो किराए के लोग थे जिन्हें मैंने अपनी मदद के लिए बुलाया था। जब लोग आग आग चिल्लाने लगे तो औरत अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के लिए ही भागती है, जैसे बच्चा, सोना या कोई खत तस्वीर। आइरीन तस्वीर के लिए भागी, जो कि सिटिंग रूम के कपबोर्ड में रखा हुआ है। कल सुबह सुबह हम यहाँ आएंगे, मिस आइरीन के उठने से पहले। राजा भी हमारे साथ होंगे, वो चाहे तो खुद तस्वीर निकाल सकते हैं। होम्स बातें कर रहा था और हम बेकर स्ट्रीट घर की ओर पैदल चलते हुए जा रहे थे। तभी एक आदमी जल्दी से हमारे पास से गुजरा और बोला, शुभ रात्रि मिस्टर होम्स। मैंने ये आवाज़ कहीं सुनी है, होम्स ने मुझसे कहा और उसने पीछे मुड़कर देखा। कौन था ये? अगले दिन हम आइरीन नॉर्टन के घर पहुंचे। राजा भी हमारे साथ थे। एक बूढ़ी नौकरानी ने दरवाजा खोला और बोली, मिस्टर होम्स, और मुस्कुराई। जी, मेरा दोस्त हैरान रह गया। मिसेस आइरीन नॉर्टन और उनके पति आज सुबह ही इंग्लैंड छोड़कर चले गए। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। क्या? होम्स चिल्लाया। उसका चेहरा सफेद और गुस्से से भर गया। और उस तस्वीर का क्या? राजा चिल्लाया। हम लोग अंदर कमरे की ओर भागे। होम्स ने दौड़कर कपबोर्ड खोला। उसमें एक तस्वीर और खत था, पर वो तस्वीर सिर्फ आइरीन की थी। हम सब खत को पढ़ने लगे। प्रिय शेरलॉक होम्स, आपने बहुत अच्छा काम किया। पहले मुझे लगा कि आग असली है और तुम एक दयालु बूढ़े इंसान हो, पर अलमारी खोलने के तुरंत बाद मुझे ख्याल आया। मैं जानती थी राजा ने तुम्हें तस्वीर को ढूंढने का काम दिया है। मुझे तुम्हारे घर का पता भी मालूम है और मैं जानती हूँ कि तुम एक प्रसिद्ध जासूस हो। इसलिए मैंने आदमी का वेश धरा और तुम्हारा पीछा किया, ये पक्का करने के लिए कि तुम ही शेरलॉक होम्स हो। कल रात को मैंने ही तुम्हें गुड नाइट तुम्हारे घर के सामने कहा था।
मेरी और मेरे पति ने इंग्लैंड छोड़ने का फैसला किया है। कृपया करके राजा को कह दे कि मैं ये तस्वीर किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करता है, और वो राजा से बेहतर इंसान है। एक फ़ोटो छोड़कर जा रही हूँ, चाहे तो राजा इसे रख सकते हैं, अगर वो चाहे तो। क्या औरत है, राजा चिल्लाया, मैंने इससे शादी क्यों नहीं की। वह क्या औरत है, बहुत बहुत चालाक औरत है, होम्स शांत स्वर में बोला। मुझे अफसोस है राजा साहब, मैं आपका काम पूरा ना कर सका। नहीं नहीं, राजा बोला, उसने लिखा है कि वो तस्वीर किसी को नहीं दिखाएगी। वो अपनी जबान की पक्की है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं आपका कैसी शुक्रिया अदा करूँ मिस्टर होम्स। मुझे बस एक चीज़ चाहिए राजा साहब। हाँ हाँ कहो। ये तस्वीर, राजा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आइरीन की तस्वीर? हाँ हाँ बेशक, ये तुम्हारी ही है। तो इस तरह यूरोप के राजसी घरानों में कोई स्कैंडल खड़ा नहीं हुआ। शेरलॉक होम्स के पास आज भी वो तस्वीर है, उस औरत की जो उससे कहीं ज़्यादा चालाक थी।